अपन एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का। एक 12 का फर्स्ट लेसन अपना हैलोजन डेरिवेटिव्स। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट और बड़ा ही सिंपल लेसन है, बट मज़ा आ जाती है इसमें। कोरिंग लेसन है इधर के सारे ऑर्गेनिक के, बड़े मज़ेदार लेसन है। तो पहले इससे कि हम लोग इसको डायरेक्ट स्टार्ट करें, कुछ एक क्विक रिविजन हो जाए कि अल्काइल इस लेसन में हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर किया था, इसकी प्रिपरेशन चेक कर ले, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर ले, मीन्स कैसे कौन से रिएक्शन थे वो देख ले, एंड देन उसके कुछ कॉमन नेम, आईपैक नेम, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसको देखते हुए हम लोग जंप करेंगे एज यूजल। हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे, ठीक है? तो चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन बनाते हुए हैलोजन डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले तो मुझे बता दें, हैलोजन डेरिवेटिव्स में इस हैलोजन डेरिवेटिव्स का अल्काइल हैलाइड का, ये तो कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड, आरएक्स का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड है। मेरा क्वेश्चन है इसका आईपैक नेम क्या है? हेलो, क्या है? आएगा आएगा आंसर आएगा आपका, बताओ बताओ क्या है उसका। दीज अल्काइल हैलाइड इस को आईपैक नेम क्या है? हेलो हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, इसको हेलो एल्केन बोला जाता है। अच्छा, दोनों काम कर लेते हैं, एक हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका हम लोग नेम भी फाइन कर लेते हैं फटाफट, कॉमन नेम आईपैक नेम बोथ। चलो पहले इसका मुझे कॉमन नेम बता दे, कॉमन नेम। यस, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, नो डाउट इसका नेम ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये तो इसका नेम है। आईपैक नेम देखेंगे, थोड़ा सा एक और पॉइंट डिस्कस करना है, इसलिए मैं पहले इसके नेम पे चल जाता हूँ। इसका कॉमन नेम क्या है? 1 2 3 4, दिस वन ऑल्सो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब मुझे बताएं दोनों में किसका नेम एक्चुअल में क्या होगा, किसमें क्या लगाया जाएगा? ये इसमें क्या लगाया जाएगा? एन लगाया जाएगा, आइसो लगाया जाएगा, एन क्यू एन लगाया जाएगा, क्योंकि वो स्टेट चेन है तो एन लगा दो। और इसमें अब इसमें सेकेंडरी लगाएंगे, टर्शियर लगाएंगे, अदरवाइज एन आइसो न्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्या लगता? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये कार्बन कितना डिग्री, जिसको हाइड्रोजन लगाए, ये कार्बन 2 डिग्री है, अगर वो 2 डिग्री रहा तो सेकेंडरी। सेकेंडरी लगेगा, मैं समझाऊंगा आपको आईएसओ कब लगेगा वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। यस, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, फोर कार्बन है। अब यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है? तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एंड दिस वन इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। और एक ले लेते हैं, चले इसका नेम बता दें, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, इट्स अ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाए, गॉट इट? सबके नेम क्लियर है। अब मुझे इसके आईपैक नेम भी बता दो फटाफट, फर्स्ट का आईपैक नेम।
क्या करना है थोड़ा वो भी समझा दो, कैसे बनाएं, नंबरिंग कहाँ से दें, लोवेस्ट नंबरिंग टू वन टू थ्री फोर, हाँ देन वन क्लोरो, वन क्लोरो ब्यूटेन, हाँ नेक्स्ट वाले का टू क्लोरो ब्यूटेन, दिस वन थ्री क्लोरो ब्यूटेन, देन फोर क्लो, फिर कैसे इसका क्या बनेगा, ये तो बना दिया आपने टू क्लोरो ब्यूटेन राइट, इसका क्या करना चाहिए, वन टू थ्री, हाँ ओ हो किधर से नंबरिंग देना है, क्यों को क्लोरीन से देना है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है करके, अदरवाइज लोवेस्ट नंबरिंग आएंगी करके, वो फंक्शनल ग्रुप है बट उसको प्रायोरिटी नहीं है, या यस मयंक आवाज नहीं आ रही है क्या, अभी क्लियर है क्या, यस ठीक है अभी क्लियर है आवाज, तो इसका नेम क्या बनेगा यहां पर, हाँ मैं बोल रहा था कि क्यों इसको हम लोग नंबर दे रहे, इधर से नंबरिंग दे रहे, उधर से नंबरिंग दे रहे, तो क्लोरीन से नंबरिंग दे रहे नो डाउट, बट वाई फ्रॉम क्लोरीन, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है अगर वो फंक्शनल ग्रुप है तो ये लो फिर, बताओ नंबरिंग किधर से देंगे, यस फंक्शनल ग्रुप है तो इधर से दे दे, नहीं दैट मींस क्या पता चला कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसको प्रायोरिटी नहीं होती है, फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको फंक्शनल ग्रुप से नहीं जाना होता, हमको जाना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड देन उससे पहले हमें जाना होता है कि लोवेस्ट सेट, जैसे यहाँ पर ये केस में हम लोग देखेंगे नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेकंड पर मिथाइल आ रहा है और इधर से जाएंगे तो थर्ड पर मिथाइल आएगा, तो करके टू पर मिथाइल दे दो, बट अगर दोनों सेम रहते हैं तो फिर अल्फाबेटिकल पैटर्न, तो पहले लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंड, वो अगर नहीं रहा तो फिर अल्फाबेटिकल पैटर्न दोनों हमें लगाना पड़ेगा, ओके अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है या पॉइंट क्या है कि इसका नेम कैसे चलेगा, अब टू पर क्या है, टू मिथाइल फोर क्लोरो हेक्सेन, बट लिखना कैसे पड़ेगा, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली फोर क्लोरो टू मिथाइल एंड हेक्सेन, तो ये इनके कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों बन गए, अब फटाफट मैं एक आपको एक ले लेता हूँ, आप फटाफट मुझे आंसर बता दे कि इसमें क्या लगाया जाए, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव कार्बन वाला है हैलोजन, वन टू थ्री फोर फाइव ये भी फाइव कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव अगेन फाइव, सब में मैं फाइव एग्जाम कार्बन ही ले रहा हूँ, आप मुझे बताएं ये वन टू थ्री फोर, चले बता दे किसके लिए क्या लगे, कॉमन नेम, आई नीड अ कॉमन नेम ऑफ दिस वन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन टू थ्री फोर फाइव, ऑल आर पेंटाइल क्लोराइड, इसमें कोई डाउट है, सभी पेंटाइल क्लोराइड है, वन टू थ्री फोर फाइव, अब मुझे उनकी इतना बता दो किसके लिए क्या लगाना है, एन आइसो नियो कब लगाना है, ये क्लियर है क्या, मैं नंबरिंग दे देता हूँ फटाफट मुझे बता दे किसके लिए क्या लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट के लिए क्या लगाना है, फर्स्ट के लिए एन लगा दे, सेकेंड, सेकेंड के लिए सेकेंडरी, थर्ड के लिए टर्शियरी, इसके लिए आइसो, देन या एंड द फोर्थ वन क्या होगा, मयंक इसका आंसर बता दो फिर फटाफट, यस इसका क्या होगा, टर्शरी, ठीक है टर्शरी, आगे पेंटाइल क्लोराइड,
ये इसके कॉमन नेम होते हैं। कब क्या लगाना है ये आपको क्लियर है। आईपैक भी अपन ने अभी बना दिया है। कॉमन नेम आईपैक नेम बनाने के बाद इस लेसन में और क्या आता है, प्रिपरेशन। इसके बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, फटाफट चेक कर लेंगे प्रिपरेशन इसके। कौन से मेथड्स इसको प्रिपेयर किया गया था, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजनेशन फ्रॉम एल्केन। इसमें नीड क्या है, कंडीशंस क्या है, तभी रिएक्शन बनेगी। नो, क्या ये रिएक्शन डार्क में हो सकती है? ना, यू नीड लाइट। एक्सेप्ट एक के साथ में रिएक्शन डार्क में भी होती है। किसके साथ? फ्लोरीन। वेरी गुड, फ्लोरीन में ये रिएक्शन डार्क में भी हो जाती है। ये रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन? इसका प्रोडक्ट बता दो आपको समझ में आ जाए, क्या बनेगा? CH3Cl। बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, रिएक्शन और आगे बढ़ती है। क्या बनता है? CH2Cl2। रिएक्शन और आगे बढ़ती है CHCl3। इससे दूर रहना, बच के रहना इससे, क्यों? पॉइजनस है। एंड देन फाइनली, पॉइजनस नहीं है, क्या है ये, क्या करवाता है, क्या नेम है इसका? क्लोरोफॉर्म पहले यूज करते थे, इसलिए यूज करते थे। यस, किसलिए यूज करते थे इसको? एनेस्थीसिया पर्पस के लिए, एनेस्थेटिक है वो, ठीक है। यूज नहीं करते, क्यों नहीं यूज करते इसको आज? उसका भी रीजन है, जब भी ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है क्या बना देता है, वही एक वो था ना, एक हिंट। क्या हिंट, क्या बनता है इसमें, उसके लिए हिंट देता हूँ ना। वो रहता है ना एक, वो घसने पे निकलता है बाहर, वो चिराग रहता है ना, उसको घसने पे बाहर निकलता है। ओहो, और कौन सा? ओके, फॉस्जिन है वो, फॉस्जिन। हाँ, क्या है फॉर्मूला? COCl2। यस, फॉस्जिन COCl2 है। तो ये रिएक्शन का लिमिटेशन हमने देख लिया कि इसमें क्लोरोफॉर्म बनता है, रिएक्शन मोनोलेवल पर रुकती नहीं, पॉलीहैलोजनेशन तक जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और कौन से रिएक्शन है नेक्स्ट? हाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रो हैलोजनेशन करेंगे तब भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। CH3CH, ज़िगज़ैग समझता है रिप्रेजेंटेशन? हाइड्रो हैलोजनेशन HX का एडिशन कर दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट? या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। CH3CH, यहाँ पे X और यहाँ पर CH3। और भी पॉसिबिलिटी है कोई इसका? ये तो मेजर प्रोडक्ट है, नो डाउट। माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ऐसे लिखा तो कोई प्रॉब्लम? Cl एक साइड से। इसका मैकेनिज्म समझा सकते हो, क्या होता है इसके मैकेनिज्म में? पहले मीडियम कैसा है, HX एसिडिक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? H पॉजिटिव आएगा। एच पॉजिटिव जब आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन बियरिंग पॉजिटिव। दो पॉसिबिलिटी थे, तो कार्बन यहाँ पे जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी और एक पॉसिबिलिटी है CH3, ये H पॉजिटिव इस पे जाए और CH2 इधर बन जाए। अब बता दे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? यस, वेरी गुड आशीष, राइट है आपका आशीष। जो मीडियम होता है इसका एसिडिक होता है, दैट्स द रीजन हमने सबसे पहले एच पॉजिटिव लिया। रिमेम्बर रखना, मीडियम एसिडिक है तो एच पॉजिटिव, और बेसिक है तो OH नेगेटिव आएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। हाँ, अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? ये दिस वन इज स्टेबल, एंड देयरफॉर मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है इसी से, जो कि बनता है ये वाला।
और इस रूल को कौन सा रूल बोलते हैं, कौन सा रूल फॉलो किया इसने? एक होता है सेटजेफ, एक होता है हॉफमन, कौन सा फॉलो किया? सेटजेफ की हॉफमन, क्या मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा हूँ? यस, एक्चुअली ये हॉफमन नहीं है, ये सेटजेफ नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि ये इलिमिनेशन नहीं है, ये तो एडिशन है। बता सकते हो कौन सा मैकेनिज्म है? ना ना, पहले तो रिएक्शन कौन सी देख ले। एडिशन है, एडिशन में दो रिएक्शन चलते हैं, मॉर्को एंटी मॉर्को, मॉर्कोनिकोफ एंटी मॉर्कोनिकोफ, ये कौन सा चल रहा है? मॉर्कोनिकोफ एंटी मॉर्कोनिकोफ कब होगा? जब परोक्साइड ऐड किया तो एंटी मॉर्कोनिकोफ होगा। फॉर एग्जांपल उसको हम लोग एक एट ए टाइम यही बना देते, देखो पता सब कुछ होता है, बट वही कंफ्यूजन होता है। हाँ बता दे। अब मैं यस, अब सबसे पहले इसमें HCl ऐड करेंगे हम लोग। बताएं प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकोफ HBr ऐड करेंगे। HBr के साथ में H2O2 ऐड कर दे। अब कौन सा पहले इसका प्रोडक्ट जो चलेगा, वहां पे क्लोरीन कहाँ लगेगा? या टॉप पे लग जाएंगे, यहाँ पे सेकंड कार्बन को, यहाँ पर Br लग जाएगा। देन नेक्स्ट ये यहाँ पर, यहाँ पे, ये तो ठीक है। यानी पता क्या चला, मॉर्कोनिकोफ मीन्स H2 रहा, तो कौन सा रूल फॉलो करना आता है? एंटी मॉर्कोनिकोफ रूल फॉलो करना आता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बना देना है, क्या रूल फॉलो करेगा ये आपको बताना है। अगर मॉर्कोनिकोफ है तो MAR बताएं, और एंटी मॉर्कोनिकोफ है तो MAR बताएं, और मॉर्कोनिकोफ है तो MR बताएं। यस, सिंपल सा देख ले, H2O2 भी है वहां पर। आशीष क्या लगता है? यस मयंक, आपको क्या लगता है? यस क्या लगता है? नारायणी आपको इसका आंसर क्या है? मॉर्को है, एंटी मॉर्को है, जबकि मैं H2O2 ऐड किया हूं। यस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बट वाई इसमें तो H2O2 ऐड किया है। यस रिमेम्बर रखना, ओनली HBr के साथ में H2O2 रहा तो ही कौन सा रूल फॉलो करना है? एंटी मॉर्कोनिकोफ रूल फॉलो करना है। और HCl के साथ में रहे, HI के साथ में रहे तो यस, आपने बिल्कुल राइट पर बताया कि यहाँ पर अब क्या लग जाए, Cl लग जाए अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकोफ रूल। तो साइड में ना सर को, बट इसका आंसर है मॉर्को। रिमेम्बर रखेंगे, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मॉर्कोनिकोफ ओनली फॉलो होगा HBr के साथ में। ठीक है, क्लियर है? ये है अपने हाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। और कौन सी रिएक्शन है जिससे बनता है अल्काइल हैलाइट? चले बड़े आगे, और कौन सी मेथड है जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइट बना सकते हैं? फॉस्फोरस हैलाइट, किसमें? अल्कोहल ले लिया जाए, उसमें PCl3 ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज PCl5 ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज SOCl2 ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐड करने के बाद में, ये सब कुछ ऐड करने के बाद क्या बनता है? RCl तो बन जाता है, बाय प्रोडक्ट सबके अलग अलग हैं। क्या आपको पता है इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की? ए है, बी है, या सी है? ए में PCl3 ऐड किया, बी में PCl5 ऐड किया, सी में SOCl2 ऐड किया। तो क्या आपको पता है कौन सी रिएक्शन है जो सबसे बेस्ट है इसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड? यस, और व्हाई दैट इज बेस्ट फॉर रिएक्शन? यस आशीष, आपका आंसर राइट है, और आपका भी आंसर राइट है, उसका आंसर सी है। ठीक है, बट व्हाई सी?
यस, क्योंकि इसका हम जब देखेंगे इसके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, तो एसओसीएल टू के साथ हमें मिलेगा आरसीएल प्लस एचसीएल प्लस SO2। ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये तो बीकर से चला जाएगा। यस ओनली क्या रह जाएगा, यस है ना, उड़ जाएगा पंछी, उड़ जाएगा HCl, उड़ जाएगा CO2, है ना, रहेगा पिंजरा खाली, ओनली RCl रहने वाला है, बाकी सब उड़ जाने वाला है। तो विच वन इज द बेस्ट मेथड, यस सबसे बेस्ट कौन सी है, एसओसीएल टू क्वेश्चन आएगा क्या, और कौन सी मेथड है इसको प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल से, यस एक और है HCl, बट उसके लिए आपको ऐड करना होता है ZnCl2, एंड दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट, इसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या है, RCl। व्हाई देयर इज अ नीड टू ऐड ZnCl2 इन HCl, HBr में HI में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक वीक एसिड है, रिएक्शन को स्पीडअप करने के लिए ZnCl2 ऐड करना पड़ता है, HBr में HI में ऐड नहीं किया जाता है। यस, और एक और रिएक्शन है जिसमें हैलोजन एक्सचेंज किया जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज के दो नेम रिएक्शन आते हैं, कौन से दो नेम रिएक्शन है वो हैलोजन एक्सचेंज में बनेंगे, अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड ही बनने वाला है, एक में अल्काइल क्लोराइड बनेगा, एक में अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, इसमें कौन सा रिएजेंट लगता है, यस पहले वाली रिएक्शन एंड सेकेंड, अल्काइल हैलाइड से RCl बन रहा है और RF बन रहा है, ये कौन सी है, ये है स्वॉट स्वॉट रिएक्शन, और पहले वाली फिंकलस्टेन, एंड इसका रिएजेंट पता है क्या है, ऐड किसके साथ ऐड करेंगे, यस सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे फिर आय लगेगा, सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन ले लो, और इसमें कोई भी मेटल फ्लोराइड AgF नहीं होगा उसमें, क्योंकि आप लोग बड़े KGF के फैन हो, तो AgF उसका आंसर बोल रहे हो, बट ओनली AgF नहीं है, और भी है, कौन से हैं, दे ऑल आर, दे आर मेटल फ्लोराइड, एक्चुअली दे आर मेटल फ्लोराइड, SB SBF3 भी चल जाएगा, है ना, यस यस, इसमें 3 to 4 ऐसे मेटल फ्लोराइड दिए हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो कोई भी मेटल फ्लोराइड रहे तो वो अपनी स्वॉर्ट्स रिएक्शन बनेंगी। यस एक रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैंडमियर तो बनेगा ही बनेगा, एक और है इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैंडमियर को देख ले, जब तक आपको याद आ जाए तो बता दो, सैंडमियर कैसे बनता है, सैंडमियर बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा, ये क्या है N2Cl, दिस इज व्हाट इज N2Cl, क्या है ये, बैचलर ऑफ BDS, बट ये बनता कैसे ये मुझे पूछना है आपसे, क्योंकि इसका प्रिपरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस इसमें दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन, और इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में NaNO2+HCl ऐड कर दिया जाए, कोई BDS बन जाए। अब इस BDS की रिएक्शन ले लिए जाए,
कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने पास बीडीएस की, सभी नेम रिएक्शन है। पहले तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ CU2Cl2 कॉपर सॉल्ट के साथ HCl ले लिया जाए तो इधर क्या बन जाए, PHCl, या फिर HBr CU2Br2 ले लिया जाए तो इधर क्या बन जाए, PHBr, या फिर एक CuCN के साथ भी होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोला जाता है, कौन सी रिएक्शन है ये सॉल्ट है, सॉल्ट, सॉल्ट से क्या याद रखेंगे, सैंडमियर, सॉल्ट का S और सैंडमियर का S, सैंडमियर्स रिएक्शन। एंड दूसरा जो है HCl, उसके साथ में कॉपर पाउडर ले लिया जाए। अब पाउडर की नीड पड़ती किसको है, पाउडर की नीड रहेंगे किसको, जो कहाँ रहता है, गटर में रहता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है अपनी गटरमैन, ये है गटरमैन। आपने बहुत सारे मैन सुने होंगे, एक्वामैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बट ये है अपना गटरमैन, ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है गटरमैन। यस, आपने शक्तिमैन भी सुना है, हमने बचपन में तो बहुत देखा है। यस, तो इधर बन जाएगा PHBr। तो ये सब चीजें हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। यस, राइट है आशीष, आपका आंसर सैंडमियर है वो। कैसा ऑर्गेनिक, अच्छा लगता है, लग तो रहा है आपको ऑर्गेनिक पसंद है। चलो आगे बढ़े क्या, ये वाली रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गटर मैन। देखिए ऑर्गेनिक सभी को पसंद होता है, जो बोलता है कि मुझे नहीं पसंद उसको भी पसंद होता है, वो बात है लेकिन उसको आता नहीं है, ठीक है, हाँ ऐसा होता है, आता नहीं है। और ऑर्गेनिक एक्चुअली किसी को ही नहीं आता है, कोई बोल दे कि मैं ऑर्गेनिक में एकदम एकदम क्या बोला जाएगा उसको, एकदम एक्सपर्ट हो जाऊँ, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस ही करते रहना पड़ता है, ऑर्गेनिक में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो बट आपके लिए उसको प्रैक्टिस की नीड होती है। ऑर्गेनिक आपका स्कोरिंग भी होता है बट इसमें मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होती है, दोनों को बड़े ध्यान में रखना है और बैलेंस करते जाना है। तो ये सब चीज़ें अपनी इसके प्रिपरेशन में आ गई है। आगे बढ़े, आगे क्या है, इसका प्रिपरेशन हो गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। एक एग्जांपल लेके हम लोग सारे रिएक्शन कवर कर लेंगे, ये कौन से इसके अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस, एक ले लिया जाए CH2Cl। इसमें सबसे पहले अपना एक बेस ऐड कर दो, लाइक OH नेगेटिव। बेस ऐड करने के लिए एक्वस NaOH की एल्कोहलिक NaOH, बताएं एल्कोहलिक KOH NaOH दोनों चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये किसके जैसा एक्ट करता है, बेस के जैसा एक्ट करता है, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे CH2 बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यही मिस्टेक हम लोग कर देते हैं। देखिए ये चीज को समझना है, एल्कोहलिक KOH ऐड किया तो क्या बन गया, एल्कीन बन जाता है, एल्कीन, मैं आपको समझाता हूँ। और इसी में हम लोग अगर ऐड कर दें एक्वस KOH, तो Cl के जगह पे OH लग जाएगा, CH3CH2OH। अब आप इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि एल्कोहल कब और एल्कीन कब,
तो मैं आपको समझाता हूँ कि ऊपर वाली रिएक्शन क्या हुई है, ये ऐड सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है, ये वाली रिएक्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें बेस ऐड किया, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन बनी है और ये सीएल को रिप्लेस करके किया तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनी और वो भी एनएसआर। अच्छा यहाँ पे मीडियम क्या था, अल्कोहल, इसमें क्या है अल्कोहल, और अल्कोहल को अपने लाइफ से क्या करना है, अगर आप उसमें साथ में हो तो उसे दूर करना है, उसको इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट मींस कौन सी रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां से क्लियर करें, अल्कोहल को इलिमिनेट करना है तो उसका प्रोडक्ट एल्कीन है, ठीक है। और फिर अगर ये इसमें एल्कीन बन गया तो दूसरे केस में अल्कोहल ऐड कर दिया जाए, ये पानी में, इसमें पानी ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा अल्कोहल। तो दोनों में क्लियर हो गया आप, यस नो प्रॉब्लम, आप समझ में आ गया। चले तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, बाद में फिर और भी है, केसीएल ऐड करने पे क्या बनता है, केसीएन, केसीएन। अब साइनाइड बनता है कि आइसोसाइनाइड बनता है, यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट लग जाएगा CH3 CH2CN, और जब मैं इसमें ऐड करता हूँ AgCN तब क्या लगता है CH3 CH2NC, आइसोसाइनाइड, है ना। तो दोनों में क्लियर है कि साइनाइड कब बनेगा और आइसोसाइनाइड कब बनेगा, ये क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें वैसे और बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। एक और रिएक्शन अगर हमने ले लिया NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड जब ऐड करेंगे इसमें तो ना, ओ सन लिसन, ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बनती है, यस सन, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस वन इज विलियमसन, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, एंड देयरफॉर वो सीएल की जगह पे ये इसका नेगेटिव पार्ट CH3 CH2 वो आर बन जाएगा और ये ईथर बन जाएगा, ईथर, ठीक है ना। तो ऐसे इसके बहुत सारे रिएक्शन अपने बन सकते हैं, मैंने आपको मेन मेन रिएक्शन ही बता रहा हूँ यहाँ पर, बाकी तो हम लोग इसको जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस तो बाकी भी रिएक्शन अपने कवर हो जाएंगे, यस। इसमें अमोनिया भी ऐड कर दिया जाए तो उसको निमोनिया तो नहीं बनेगा वो, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दिया जाए, मींस RCOONA, इसको मैं NaOOCR भी लिख सकता हूँ, या फिर समझ नहीं आता है तो मैं वैसे लिखता हूँ RC OONA, यस। इन दोनों में क्या बनेगा, यस, तो इसमें क्या बनेगा, उसमें क्या बनेगा, सर फिजिक्स कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बता दो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, अच्छा क्वेश्चन तो है, कैसे याद करूं सब, है ना, कैसे याद करूं सब, अच्छा है, इसका आंसर मैं दूंगा आपको, यस। तो मिस्टर यहाँ पे सीएल निकाल दो और यहाँ पे इसको लगा दो, इसका HCl निकल जाए CH3 CH2 NH2, और इसके केस में इसका Cl जाए, इसका Na जाए, क्या बन जाए,
ये सी एच थ्री सी एच टू को इथाइल लिखो तो कोई प्रॉब्लम? सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ इधर बन जाएगा। यस मिस्टर ओ सिस्टर दिस वन इज ईस्टर। यहाँ पे ईथर बनेगा और यहाँ पर इस तरह से अपना ये सारे रिएक्शन बनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स है, इसको अपने पास नोट डाउन करें। क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। ओके चलो ठीक है, मैं आ गया हूँ वापस। चलो तो कुछ क्वेश्चंस अभी जो अपने डिस्कस किया है इस पे अपने कुछ क्वेश्चन बनने चाहिए। फटाफट बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस बढ़िया से। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चले फटाफट आ जाए आशीष, चलो बना दे। क्या अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए डायजोनियम सॉल्ट एंड फ्लोरोबोरिक एसिड से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? Yes. देखो समझना पड़ेगा, ये रिएक्शन सॉल्ट तो नहीं है क्योंकि ये डायजोनियम सॉल्ट से बोल रहा है, ठीक है ना। ये सॉल्ट भी नहीं है, ये सैंडमेयर भी नहीं है। यस, ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो कि बीडीएस में फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करने के बाद में बनता है, जिसको बोलते हैं बाल-शैमन रिएक्शन। बीडीएस की रिएक्शन है, बीडीएस की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये वाला अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो कौन से लेसन में और डिटेल में मिलेगा आपको? कहाँ पे डिटेल में दिया है ये सब चीजें बीडीएस की रिएक्शन? अमाइन वाले लेसन में, नाइट्रोजन कंटेनिंग में बीडीएस के सारे रिएक्शंस गिवन है, उसको देखना है।
अल्काइल हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनेगा? इसमें एजी की जगह पर, इस एजी की जगह पर अल्काइल आयोडाइड अच्छा सेकंड से बनता है, ये सीएल के जगह पे आय लगा दो बन जाता है। हाँ, और किससे बनता है? थर्ड से बनता है क्या? थर्ड सेकंड से, थर्ड से क्यों नहीं बनता ये? अच्छा ये बता दो, आर ओ एच प्लस एच सी एल, आर सी एल बनता है। जब यहाँ एच सी एल बन सकता है तो यहाँ पर आर आई बन सकता है। इवन इस रिएक्शन के लिए तो आपको एक रिएजेंट भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट, है ना? फोर्थ वाला एक्चुअली बनता है नो डाउट सी एच सी आए, बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। क्या मिलता है? सी एच टू आई टू, देन सी एच आई थ्री हाइड्रोफॉर्म एंड देन सी आई फोर। तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन। इसमें ओनली ये नहीं बनता, ये सब बन जाएगा, और वैसा ऑप्शन अपने पास है नहीं जिसमें थर्ड भी हो, फोर्थ भी हो और सेकंड भी हो। अगर वैसा होता तो हम लोग उसको लेके जा सकते थे, बट वैसा नहीं है तो फिर हम लोग इससे जाएंगे। तो क्या बनेगा आंसर? सेकंड एंड, क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे बढ़ जाते हैं। यस आज से राइट है अपना, आपसे कहाँ गया और रजत भी था, ऐसा नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करें क्लास, आपको समझ में कैसे आएगा इससे, है ना? हाँ क्वेश्चन थर्ड, अपना क्लास का टाइमिंग यही है, आप लोग नोट डाउन नोट करके रख ले अपना क्लास का टाइम, और ये टाइम पे रेगुलर रहें तो बड़ी ऑर्गेनिक कवर हो जाएंगे इसमें आपका। मंडे से रेगुलर ज्वाइन करें आप लोग। क्वेश्चन थर्ड क्या है ये, ट्राई करो। क्या है? क्या है स्ट्रक्चर वो? ये अगर एक कोई आप पर्सन देख रहे हैं तो ये उसके दो हैंड्स हैं, ये पर्सन है ठीक है, और ये उसके पैर है, लेग्स हैं, और लेग्स काफी स्वेल हो चुके हैं। रीजन, क्योंकि उसको एलिफेंटाइसिस है, और ऐसा अपना ये स्ट्रक्चर का नेम क्या है? ये है डीडीटी। हाँ डीडीटी है, डीडीटी। बट देखिए नो डाउट इसका ये डीडीटी तो है, बट ऑप्शन से जाना, कभी भी ऑप्शन चेक करते रहना, क्योंकि ऑप्शन हमें गड़बड़ करवा देंगे। नो डाउट आप फट से जोश में आके होश गवा दो और यहाँ पे डी टिक कर लो, ए चेक कर लो, बट आगे में इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, अदरवाइज कौन सा साइड है? वो इंसेक्टिसाइड भी है आशीष, तो करके उसका आंसर कोशिश करो उसका आंसर फाइंड करने का, क्या बनेगा? यस
क्लियर है आदित्य क्या है? ठीक है। अच्छा SN1 SN2 समझता है क्या? SN1 के लिए बेस क्या होता है? टर्शरी, राइट। SN1 का एक बार ऑर्डर बता दो। SN1 के लिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एंड SN2 के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और मिथाइल और भी बेस्ट है। इसमें देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड देयर इज नो इंटरमीडिएट इन SN2। इसमें दोनों साइड से अटैक होता है, इसमें ओनली बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट रहेंगी हमारे लिए इसको समझने के लिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पहले तो ये बता दे कि ये कितना डिग्री हाईलाइट है, 3 डिग्री है। तो इसमें क्या होने वाला है? SN1 SN2 SN1 SN1 का जो रेट होता है, रेट इज ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइट एंड देयरफॉर इसको डबल करेंगे तो रेट डबल होगा। इस पे वो डिपेंड नहीं रहता है। क्या बोला है उसमें? अब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल, दोनों को डबल कर दिया, बट रेट डिपेंड किस पे है? क्योंकि वो SN1 है, इसी भी डिपेंड है, तो इसको डबल करने से इसको कुछ भी कर दो कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी रिस्पेक्ट में तो जीरो ऑर्डर है। ठीक है ना? तो आंसर क्या बनेगा? डबल बनेगा, राइट। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन। SN1 एट असिमेट्रिक कार्बन ऑफ इनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल का हैलाइड की वो प्रोडक्ट क्या मिलता है? SN1 में प्रोडक्ट, यस, रेसिनिक मिक्सचर मिलता है, रेसमाइजेशन होता है। उसमें फ्रंट साइड अटैक भी होगा, बैक साइड भी अटैक होगा, एंड देयरफॉर डी और एल इक्वल अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिनिक मिक्सचर। बट क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो इसको। इनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल अल्काइल हैलाइड है, ऐसा अल्काइल हैलाइड जो कायरल है उसको वायरल करो, जैसे ये वाला, ये कायरल है, तो ऐसे केस में वो रेसमाइजेशन देगा, प्योर 100%, 50% डी, 50% एल। बट ओनली एक ऐसा है, सपोज अल्काइल हैलाइड टर्शियरी है, नो डाउट। बट अब ऐसे केस में वो 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा, ऐसे केस में वो पार्शियल रेसमाइजेशन होगा। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इनेंशियोमेरिकली बोला है तो उसका आंसर रेसमाइजेशन होगा, और ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाता है इसी इसमें और पूछा जाता कि इसमें क्या होगा, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसमें 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है। हाँ, SN1 में, SN2 में क्या होता है? SN2 में बैक साइड अटैक, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज, इन्वर्जन। SN1 में वो साइड अटैक, फ्रंट एंड बैक, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, टू प्रोडक्ट। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसमेट। ये वही क्वेश्चन कर रहा है जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि रेसमेट मीन्स कायरल कार्बन वाला चेक करना पड़ेगा आपको। ऐसा कार्बन जो कायरल है, जो टर्शरी है हैलाइड। क्वेश्चन सिक्स, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसमेट। Yes. क्या बनेगा? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, इथेन मीन्स 2 कार्बन, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे फिनाइल है। CH2 CH2 Br, तो Br को पहले बना लिया था, इथेन होगा CH3।
ठीक है, ए की ऑप्शन। ये केस में इस कार्बन को देखो, ये कार्बन अगर ये बीआर निकल जाए, इसको सभी डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो वो कार्बन जो है कायरल भी कार्बन है और उससे रेसिमिड भी लेगा। ऐसे और ऑप्शन है क्या कोई? आंसर फर्स्ट ही जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू टोलिन, क्लोरोबेंजीन से टोलिन बनाना है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्लोरोबेंजीन बेंजीन को क्लोरो, टोलिन क्या होता है? बेंजीन को CH3 लगा दें। अब अपने पास नेम रिएक्शन होती है वुड्स अल्काइल हैलाइड वाली, एल्किन मिलता है उसमें, ठीक है, फिटिक बायफिनाइल वाली, दो फिनाइल रिंग लग जाते हैं, वुड्स फिटिक, एक अल्काइल और एक अराइल, दो ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं, तो आंसर वुड्स फिटिक रहेगा उसका। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैंड के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी आप ऐसा ना पढ़े अपने टेक्स्ट बुक पढ़ने जैसा, बायोलॉजी पढ़ते वैसा नहीं पढ़ना है, इसको आपको मैथ के जैसा लिख कर देखना है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पे हैंड आ जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हैंड आ जाए, आपका केमिस्ट्री पे हैंड आ जाए, तो यही पॉइंट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। या तो क्वेश्चन 8, क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अपने पास है अल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया, बता दो प्रोडक्ट RNH2 बन जाए, बट जैसे रिएक्शन अल्काइल हैलाइड वाली रुकती है कि वहां पर नहीं, इसमें बीकर में भी और अल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन और आगे जाएगी, क्या मिलेगा? सेकेंडरी R2NH, रिएक्शन और आगे जाएगी R3N, रिएक्शन और आगे जाएगी R4N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, तो वी गेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट। हाँ चले बढ़िया, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहिए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यस हमने देखा था इसमें, यस फाइनल क्लोराइड, कौन सा रिएजेंट? कोई रिएजेंट तो है नहीं सर ये, बट ये नेम रिएक्शन है एक, यस ब्रदर ऑफ टार्जन, दिस वन इज टार्जन, दिस वन इज टार्जन, टार्जन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर इन्वॉल्व, यस ऑब्वियसली ऐसे करने का, हमने एक एक ने एक आंसर बोलने का वन स्टेप, दूसरे बोलने का टू स्टेप, दोनों में से एक राइट होगा और सर को लगेगा हमको बहुत आता है, हम तो ऐसे ही करते थे, हम साथ में बैठना, एक ने मैंने बोलना फर्स्ट ऑर्डर, उसने बोलना सेकंड, एक ने बोलना फर्स्ट स्टेप, दूसरे ने बोलना सेकंड स्टेप, दोनों में से एक ऑलवेज राइट, सर को लगता है हमको बहुत आता है। बताओ आंसर क्या है? अरे इधर टू लिखा है ना, ये टू यानी स्टेप नहीं होता, केमिस्ट्री है, मैकेनिज्म देखो, या केमिस्ट्री तो नॉट द नेम ऑफ गड़बड़, गड़बड़ ना करे, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है बेटा। SN2 वन स्टेप का होता है और SN1 टू स्टेप का होता है, SN1 वन स्टेप का होता है। नेक्स्ट 11th,
क्या बोला था? गड़बड़ नहीं करना, किम इज नॉट द नेम ऑफ गड़बड़ एंड सड़बड़। मैकेनिज्म से चलते हैं। अपने पास CH3Cl है, हमने उसमें कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड कर दिया, ये बन गया इसका इंटरमीडिएट कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन, इसका इंटरमीडिएट है। और इमीडिएटली इसका आंसर बता दो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस वन इज वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड। रिमेंबर रखो, थ्री अगर बॉन्ड बनते हैं तो sp2, फोर अगर बॉन्ड बनते हैं तो sp3। कितने बॉन्ड बनाया? एंड देयरफॉर आंसर sp2 ज्योमेट्री है। sp2 ज्योमेट्री यानी ये बायपिरामिडल नहीं होता, बायपिरामिडल ये है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, वन अबव वन बिलो। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से ज्योमेट्री प्लेनर बनने वाली है, राइट। SN2 रिएक्शन कितना ऑर्डर का है? SN2 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है। तो रिएक्शन का रेट किस पे, किस पे डिपेंड करेगा? वेल यस, तो बना दो उसमें एक SN2 रिएक्शन, इज रेट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बोथ, मींस सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट बोथ, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, देयरफॉर इट्स अ सेकंड ऑर्डर एंड देयरफॉर द आंसर इज 9। SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन थ्री मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल बना देंगे अपन, साइक्लोपेंटाइल यानी 5 कार्बन, थ्री मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, फर्स्ट पे ब्रोमाइड है, 1 2 3 ऐसे बना देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। बट ये सीज बोल रहा है, व्हाट डज इट मीन? यस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा Br, ठीक है ना, इधर है HH, बट ये SN2 हो रहा है। तो पॉइंट क्या है आशीष, कि यहाँ पर SN2 में अटैक कहाँ से होता है? बैक से। तो ये अगर OH है, इस पर अटैक कहाँ से होगा? बैक से। तो ये अगर फ्रंट में है तो अब आने वाला ग्रुप उसके बैक से अटैक कर देगा, देखो समझाता हूं मैं। इस पे कोई चेंज होने वाला है? ये मिथाइल एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, बट यहां पे क्या होने वाला है कि SN2 में अगर अल्कोहल बनने वाला है तो ये Br के जगह पे OH आएगा, बट किधर से आएगा? नीचे से आ जाएगा। यस, दैट मींस अभी क्या हो जाएगा? यस, स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो जाती है SN2 में, स्टेरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो जाती है, देयरफॉर आंसर। देखो SN2 रिएक्शन को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक और चीज बता देता हूँ, क्या हो गया, एक एक ये लड़का है, पानी आ चुका है, इसने अपना छाता ले लिया और ये जा रहा है, यानी अम्ब्रेला, बट पानी बहुत ज्यादा आगे आ रहा है और साथ में हवा भी चल रही है। अब क्या हो गया, पानी हवा आने से ये अम्ब्रेला का जो ये है ना हवा, इधर से चला गया ऐसे और ये, यस, तो कैसा हो गया? यानी ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? पानी आ रहा है, अम्ब्रेला जा रहे हो, एक उल्टा एक सहारा था उसका और वही हवा देने से ऐसे उल्टा हो गया, एयर पानी है सब है। तो वैसा SN2 में होता है, SN2 में ये होता है, स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यस, 14th, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेंगे। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ, एम मीन्स मेटा, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन इज द बेस्ट सिंथेसिस बाय यूजिंग द रिएक्शन। इसमें से कौन से इससे सबसे बेस्ट बना सकते हैं हम लोग? मेटा फ्लोरो नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन है, फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 के साथ लेके गए। और फिर बाद में उसमें NH2 है, H2S ऐड किया। फिर ये होनो, समझ में आता क्या है होनो? होनो क्या होता है? होनो होनो क्या होता है होनो? चलो समझते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये ऐड कर जाने से नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लग गया उसको। और ये कौन सा डायरेक्टर होता है नाइट्रोबेंजीन? मेटा डायरेक्टर। तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो आ गया। फिर ये NH2S ऐड क्या किया ना, ये एक्चुअली एक नेम रिएक्शन है, ये है एक्चुअली जनजनी क्रिएट करने वाली रिएक्शन, जेनिन। जेनिन एक सिलेक्टिव रिडक्शन है, दोनों में से कोई एक ग्रुप रिड्यूस होता है, दोनों में से कोई एक ग्रुप, कोई एक NO2 रिड्यूस होता है, वो NH2 में कन्वर्ट होता है और ये NO2 रहता है। बात नहीं, होनो क्या चीज है? होनो होनो क्या कर देगा? नाइट्री एनिलीन को BDS में कन्वर्ट कर देगा और ये NO2 ऐसे रहेगा। एंड लास्ट में ये SBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, कौन सी नेम रिएक्शन? वाल्शाइमन। इसके जगह पे फ्लोरीन लग जाएगा। क्या बोला था कन्वर्ट करने के लिए? मेटा फ्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मेटा नाइट्रो बेंजीन, मेटा फ्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाए क्या? यस। तो ऐसे चलेंगी रिएक्शन और यही सबसे बेस्ट मेथड है इसके प्रिपरेशन की। उसका आंसर फर्स्ट रहेगा, वही सबसे बेस्ट रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है, रिमेम्बर रखना ही रिएक्शन। ओके, तो ऐसे बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन बनाए जाए उतने कम है। वही देख रहा हूं मैं। चले चले, तो एक क्वेश्चन बना दे लास्ट, एक बढ़िया से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा ले आप ही बता दें। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे फिर रुक जाएंगे। ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बताना चाहिए था, बट चले ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड टू अल्काइल आयोडाइड। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यस, कौन सी रिएक्शन है जो कन्वर्ट करते हैं इससे? यस, फिडलक्राफ्ट, अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल आयोडाइड। देखो हम लोग हैलोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज, दो ही रिएक्शन होती है, एक फिंकलस्टेन और दूसरी टॉट। तो इसमें से ये कौन सी है? दिस वन इज, यस यस, टॉट्स की फिंकलस्टेन। तो मैं आपको इसी के साथ छोड़े जाता हूँ, आप ही डिसाइड करो शॉर्ट्स है या फिंकलस्टेन है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है,
बट यहाँ पे उसका आंसर क्या है, फिंकल फ्रेम। यस, तो ये आज के लिए सफिशिएंट है। हम लोग अब मिलेंगे कब? यस, कल का क्लास कंफर्म कर लेना है या हमारा क्लास अब डायरेक्ट ट्यूजडे को होगा, मंडे को अपना ऑफ रहेगा। तो जब तक कि आप लोग क्या करें, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, इन दोनों लेसन को बढ़िया से बना दें, हम लोग आगे के लेसन बाद में कवर करेंगे आगे। चले रुकते हैं यहाँ पर।